भंडारा लाखनी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित पलाड़ी से भीलेवाड़ा गांव के बीच बने पुलिया पर गुरुवार शाम 7 बजे एक टैंकर क्रमांक MH04JU1848 की विरुद्ध दिशा से आने वाले सब्जी से भरे ट्रक क्रमांक CG04LR2150 से भिड़त हो गई। हादसे के बाद टैंकर ने आग पकड़ ली, जिसमें एक की मौत तो एक गंभीर जख्मी हुए। ट्रक क्रमांक CG04LR2150 टैंकर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, व ट्रक क्रमांक MH04JU1848 का चालक मोहम्मद मुकीम शेख उम्र 25 वर्ष रहवासी सरखेलपुर तहसील वटी जिला प्रतापगढ़ यह सुखरूप है। दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन चालकों को रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ा। देर रात तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नए खंड पर सिंगोरी से मुजबी तक भंडारा शहर को बाईपास करने वाले 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू है। निर्माण कार्य की वजह से भीलेवाड़ा से सिंगोरी तक वाहनों की कतारें अक्सर देखी जा सकती है। गुरुवार को शाम 7 बजे एक टैंकर भंडारा की ओर आ रहा था, जबकि भंडारा की ओर से आने वाले टमाटर और सब्जियां भरे ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होते ही टैंकर के केबिन में आग लगने से लपटे उठने लगी। टैंकर में डीजल भरा हुआ था या कोई ज्वलनशील केमिकल, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आग इतनी तेजी से फैली कि टैंकर के टायर कुछ मिनट के भीतर ही धमाकों के साथ फट पड़े। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आसपास के क्षेत्र के लोग भी टैंकर से उठती आग की लपटों को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। हादसे के बाद मार्ग के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन चालकों ने भीलेवाड़ा से उसरागोंदी गांव होते हुए अपना रास्ता तय किया। टैंकर में आग लगने की सूचना मिलते ही भंडारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साकोली, भंडारा एवं लाखनी से दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई। देर रात तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कई घंटों के लिए यातायात बाधित रहा।